महादेव की जय। देखिए गोरखेश्वर महादेव की जय बोल रहे हैं प्रहलाद जी। आज सोमवार है, हर सोमवार की तरह फिर हम लोग गोरखेश्वर महादेव की यात्रा पर निकले हैं और प्रहलाद जी हाथ उठा रहे हैं पीछे और हमारे राजेश खन्ना, बल्लू भाई और मुन्ना भाई चश्मा भूल गए। अच्छा, प्रेम चश्मा भूल गए, कोई बात नहीं। इस समय आनंद लोक में आ चुके हैं और पीछे डॉक्टर साहब जो है अभिवादन कर रहे हैं और इधर हमारे राहुल बैठे हैं, राहुल शुक्ला जी। और देखिए कुछ नए मेहमान भी आ जाए हैं, उनसे भी मुखातिब करवा दें। आज जो है गोरखेश्वर महादेव के दर्शन करने की इच्छा थी जी। ये देखिए ये सब नए मेहमान हैं, डॉक्टर रचना सिंह हैं, हमारी महिला समिति बलखंडेश्वर, बलखंडेश्वर की महिला समिति आज आई है इधर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बलखंडेश्वर जो है शंकर जी की पूजा करने के लिए, बिल्कुल हाँ। वजह क्या है कि अपने महोबा में चार पीठ है शंकर जी की, पूरब में बनखंडेश्वर जिसको अब बलखंडेश्वर लोग कहने लगे हैं, पर वो है बनखंडेश्वर, क्योंकि वन में रहने वाले ईश्वर थे वो। हाँ, तो वो बनखंडेश्वर पहला है जो पूरब में है और पश्चिम में राम, इसको कहते हैं हमारा क्या नाम है, पठेश्वर। पठेश्वर हमारे जो करिया पठवा में जो है वो पठेश्वर वो पीठ है और दक्षिण में हमारा ये क्या नाम है कंठेश्वर महादेव, कंठेश्वर महादेव जो बड़ी चंडिका के पीछे है वो, और चौथे जो बचते हैं वो रामेश्वरम कहलाते रामकुंड, महोबा के रामकुंड उनको कहते हैं। तो शिव जी के चार स्थान हैं वो रामकुंड जो है वहाँ रामेश्वरम कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ नहीं सुना है, आप लोग तो वहाँ पे तमाम कार्यक्रम करती रहती है, याद आ गया हमें। देखो तुम बताओ बेटा क्या हाल है तुम्हारा, क्या नाम है? देवराज। देवराज, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग भी अपना नाम बता दीजिए। हमारा कुसुमलता गुप्ता। कुसुमलता जी हैं और आप मैडम? वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, चलिए देखिए सब लोगों को आज अच्छा, बहुत ही आनंद आया, चलिए बहुत अच्छा लगा है जी। कैसा लगा है कि अमृत लोक में ये स्वर्लोक में ही आ चुके हैं? बिल्कुल, अभी अभी गोरखेश्वर महादेव के दर्शन होंगे आपको तो और अच्छा लगेगा। आइए चलिए भाई, आज पुष्परू जी भी आए, हमारे पुष्पेंद्र जरिया जी भी, प्रणाम प्रणाम, बहुत दिन बाद इनके दर्शन हो रहे हैं। आइए, गोरखेश्वर महाराज की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज इन्होंने बुलाया है सब लोगों को। आइए चलो भाई, सब लोग आइए, सिद्धे भाई चलो सब लोग आइए आइए। स्टील का डब्बा मिला है, हाँ ले आओ ले आओ ले, चलो पानी है, जलाभिषेक, सब लोग आइए। देख पीछे भी लोग आ रहे हैं, चलिए सब लोग, चलो चलो आगे चलो, चलिए सब लोग दे दो। हाँ हाँ, वो हम लिए थे। देखिए अब सीधे हम लोग वहाँ चलेंगे, वो झंडा देखिए दिख रहा है गोरखेश्वर महादेव का, नहीं आएगा भी। बस वहीं चल रहे हैं हम लोग, जय हो भोलेनाथ की। लोग चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, चलो सिद्धे भाई आओ, प्रेम चलो चलो है, सोनी जी आ रहे, आओ हो आइए, चलो आप चलो 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 बेटा। देखिए सब लोग गोरखेश्वर महादेव की यात्रा पर हैं और ये गोरखेश्वर महादेव जो हमारे हैं इनको महोबा का अमरनाथ, बुंदेलखंड का अमरनाथ और केदारनाथ कुछ भी कहिए, बहुत ही दिव्य स्थान है। आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या कह रही हैं? मौसम भी आज अच्छा है। अच्छा मौसम अच्छा है, वो तो हमेशा रहता है सवेरे, नहीं रोज से भी। गोरखेश्वर महादेव दोबारा आ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, चलो आपका तो स्थान है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। चलिए ये देखिए सब लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, यहीं से चढ़ना पड़ता है, खतरनाक रास्ता है। चलिए आगे बढ़े, सामने झंडा है गोरखेश्वर महादेव के लिए, लोग बढ़ रहे हैं लगातार धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ थोड़ा परेशानी भला रास्ता है, चट्टाने ऊंची ऊंची हैं, चढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए सब गोरखेश्वर महादेव जा रहे हैं, यहाँ इस तरह से ही जाना पड़ता है, यही तरीका है यहाँ। चलो भाई आओ बेटा, चलिए सब लोग, हाँ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, जाओ जाओ निकल जाओ, तुम निकल जाओ।
घुस जाओ चलो। हाँ उसको अंदर चलो बैठ के बस बैठो बैठो चलो बैठो चलो भाई पुष्पेन जी। जी सर जी सर बिल्कुल बिल्कुल बैठ के चलिए चलिए। और कोई बच्चा चल रहा है? आओ बेटा सब लोग बैठे। ये देखिए गोरखेश्वर महादेव। हाँ चलो चलो आप चलो। ये देखिए पहुंच गए हैं सब लोग। बस सफाई हो रही है उनकी। समय चालू अभियान चलिए स्वच्छता अभियान चालू। अब फिर श्रृंगार होगा। देखिए जलाभिषेक हो रहा है इस समय गोरखेश्वर महादेव का। लगे हैं सब लोग। अरे इधर मत देखो कैमरे की तरफ, वहाँ देखो काम करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए सब लोग हैं, सब चल रहा है अभियान अभी। देखिए आपको दिखा दें इधर से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये देखिए सिद्ध बाबा, हमारे सिद्ध बाबा के जस्ट पीछे हैं हम लोग। देखा आपने ये सिद्ध बाबा हमारे। आइए चलो भाई चलो 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 सब लोग जलाभिषेक कर लीजिए। सब लोग जलाभिषेक कर लीजिए। चलिए चलिए अपना हाँ जलाभिषेक। आइए आइए चलिए सब लोग जलाभिषेक। चलो आओ आओ आ जाइए इधर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए आइए आइए। डॉक्टर साहब नहीं नहीं काहे को। चलिए जलाभिषेक करिए। आज महिलाओं की टीम है, बनखंडेश्वर समिति आई है पूरी। चलिए बस एक एक करके बस आप लोग आ जाओ जो चल। चलिए चलिए। अरे आज मुख्य लोग आए हैं ना, अभी लीडर लोग आए हैं, बाद में आएंगे सब। आइए चलिए चलिए आज आप लोगों ने चलिए आ जाइए चढ़ाइए। हो गया यहाँ पे हर आदमी नहीं आता। जलाभिषेक हो गया है ना। हम लोग जैसे हो गया आपने कर दिया। नॉलेज जैसे जानकारी है भाई चेक करने को हम लोगों ने बताया। करिए आप भी जल्दी बैठिए। बैठो 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 बैठ जाइए जलाभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डालिए जल्दी जलाभिषेक। शिवाय ओम नमः। उनको निकल जाने दीजिए। आइए मैडम नमः शिवाय नमः शिवाय। आइए इधर आइए शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब श्रृंगार होगा इनका। जलाभिषेक हो गया। जलाभिषेक हो गया। लाइए फूल निकालिए। चलिए देखिए सब लोग श्रृंगार हो रहा है अभी। अभी सही नहीं हुआ अभी आँख। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए जी श्रृंगार हो गया है भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लो शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ
निर्मलं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिलमन्दनान् मृत्युर्मुक्षे महामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिलमन्दनान् मृत्युर्मुक्षे सब लोग गोरखेश्वर महादेव से देखिए। हाँ भाई बोलिए गोरखेश्वर महादेव की जय। हर महादेव। रहो एक टीम आगे जा रही है बिल्कुल। देखो लोग चल रहे हैं कहाँ। अरे उनके चक्कर में पड़ो चलो। देखिए सब लोग चल रहे हैं। गोरखेश्वर महादेव के दर्शन के बाद वापसी। जी बताइए गोरखेश्वर महादेव के दर्शन करके आए हैं कैसा अनुभव आपको है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार आप लोग आई थी ना? हाँ पहली बार। क्योंकि गोरखेश्वर महादेव को के बारे में महोबा में बहुत कम लोगों को पता है अभी। हाँ नहीं सही बात है बिल्कुल। हमें तो कोई पता ही नहीं था। हाँ दर्शन के लिए नहीं मैंने पेपर में तो पढ़ा है लेकिन मुझे हाँ हाँ आज तक दर्शन नहीं हुए। आज पहली बार ही दर्शन हुए हैं बिल्कुल। ये हमारे बुंदेलखंड के अमरनाथ हैं। यहाँ आदमी आ जाए समझ लो सब दर्शन हो गए उनको। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमरनाथ भगवान की जय। गोरखेश्वर महादेव की जय। चलिए चलिए देखिए सब टीम पूरी गोरखेश्वर महादेव से आ रही है और दुर्गम यात्रा करके आइए आइए सब लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए दुर्गम रास्ता गोरखेश्वर महादेव का। सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तुम आगे आगे जाओ। देखिए सब लोग आधी रास्ता पार कर लिए हैं। झाड़ झंकाड़ के बीच से आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी बहुत लोग पीछे हैं चले आ रहे हैं झाड़ियों से। हाँ झाड़ियों में ओझल हैं इस समय। आने दीजिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गोरखेश्वर महादेव की जय। आ गए सब लोग देखिए घूमते हुए परिक्रमा। पांच पहाड़ी को जा रहा। चलिए ये देखिए घनी झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। ये सब औषधि पौधे लगे हैं। सब लोग परिक्रम अब आ रहे हैं गोरखेश्वर महादेव की यात्रा से। जी जी जय हो जय हो। चलिए भाई देखिए कैसी रास्ता है। बड़ी झाड़ झंकाड़ है। हो सकता है इसमें कीड़े मकोड़े हों और सांप बिच्छू भी हो सकते हैं लेकिन सब भोलेनाथ सब रक्षा करते हैं बचाते हैं। महादेव की जय। आ रही देखिए पूरी टीम। आइए भाई डॉक्टर साहब। जय हो आनंद की जय हो। जय हो जय हो गोरखेश्वर महादेव की जय हो। जय हो जय हो। कुछ लोग जाते में रास्ता भी भूल गए थे हमारे रज्जू भाई। जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए ओम नमः शिवाय। और कोई रह गया? चलिए चलिए चलिए। ये देखिए बेहद दुर्गम रास्ता इसी को कहते हैं और यहाँ अकेले कोई नहीं आ सकता। यहाँ अकेले आना संभव नहीं है। अकेले सिर्फ वही आ सकता है जिसको यहाँ की इन भूल भुलैया भरी पगडंडियों का आइडिया हो। बाकी कोई नहीं आ पाएगा। जय हो भोलेनाथ। तो इसलिए आज सोमवार का दिन था। सोमवार को हम लोगों का फिक्स रहता है गोरखेश्वर महादेव जाने का अभियान। बस उसी के तहत हम लोग अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे हैं। शिव तांडव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जय हो भोलेनाथ। जय हो। हाँ भाई आराम से। यहाँ देखिए अब हम लोग झरने हाँ झरने के पास आ गए हैं। इधर झरना क्रॉस करना पड़ता है फिर अभी एक चढ़ाई चढ़नी है और तब जाके हम लोग शिवतांडव पहुँचेंगे। चलिए भाई झरना थोड़ी कमज़ोर हो गया है क्योंकि बारिश अब थमी हुई है। और देखिए सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे दुर्गम रास्ते से महोबा के अमरनाथ बुंदेलखंड के अमरनाथ की यात्रा है ये। जितने कष्ट वहाँ होते हैं लोगों को
उतने ही कष्ट यहाँ भी है। चलिए चलिए भाई, चलिए, ओम नमः शिवाय। अरे और भी बहुत औषधियाँ लगी हैं, सब ये औषधि पौधे हैं चारों ओर। अच्छा, बिल्कुल, चलिए बढ़िए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए चलिए आराम से, नीचे से आ जाओ ना, नीचे से चलो। हाँ कोई नहीं भाई, गिर न जाना। चलो इधर थोड़ी झरना है, अब यहाँ से फिर एक चढ़ाई चढ़नी है हम लोगों को। ओम नमः शिवाय। चलो भाई चलिए चढ़िए, यहाँ से फिर एक चढ़ाई है तो हम लोग पहुंचेंगे। चलो भाई मुन्ना बढ़ो आगे, बचा तो नहीं है आवाज़ से। कोई नहीं बचा, चलो बस हम लोग। हाँ हाँ चलो चलो, कोई नहीं, बस हम लोग सेवतांडो के करीब आ गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ये अंतिम छोर है, अंतिम पड़ाव हमारा मान लीजिए, जहाँ पे एक बार रुकना पड़ता है। चल देखिए कैसी रखी हुई है चट्टाने, बड़ी खूबसूरती से, और इसी के बीच में ये पगडंडी है जिससे हम लोग निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए कैसे रखी हुई है, शानदार।